छह दिनों से सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही हूँ अपने बाकी सारे दोस्तों के सॉलिडारिटी में, और मैं आज भी इधर आई हूँ क्योंकि कल बहुत ब्रूटल वायलेंस हुआ है जामा मस्जिद से, जो दिल्ली इंडिया गेट की तरफ जो मार्च निकलने वाली थी उनको नहीं निकलने दिया है। इसके अलावा मेरठ में, गाज़ियाबाद में, यूपी में भी ये भड़का रहे हैं, और ये वो लोगों की हिम्मत नहीं है, हम लोगों जैसे की हिम्मत नहीं है जो पुलिस चौकी में आग लगाएं या जो दो पत्थरबाजी करें। बहुत सारे वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं जिसमें ये जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले छतों पर चढ़ के ईंटें तोड़ रहे हैं पत्थर बनाने के लिए, और ये सारा इल्ज़ाम लोगों पे भी नहीं, मुसलमानों की आइडेंटिटी पे आता है कि ये मुसलमान कर रहे हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वायलेंस जो हम लोग जैसे जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या बाकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो वायलेंस नहीं कर रही है। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं, हम सिर्फ नारे लगाते हैं और पोस्टर लेके आगे बढ़ते हैं। आई पर्सनली बिलीव इन सेकुलरिज्म, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना। माय फोर फादर, माय दादा एंड परदादा आर द फ्रीडम फाइटर। सोच सकते हैं मेरे दिल पे क्या बीत रही है इस वक्त, दे आर फ्रीडम फाइटर, हम तो फ्रीडम फाइटर का खून है मेरे अंदर, तो मैं तो खराब महसूस करूंगी और मैं आऊंगी सड़कों पे, इसी तरह आती रहूंगी, आगे भी आऊंगी। मेरा नाम मसूद परवेज खान एडवोकेट है, मैं साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकालत करता हूँ जी। अभी कल जुमे के बाद शाम में पुलिस ने सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया डिस्पर्स करने के लिए। जब भी लोग वहाँ पर डटे रहे, तब उन्होंने क्या करा, किसी शख्स ने आग लगा दी और उसके बाद लाठी चार्ज में उन्होंने डिटेन किया बच्चों को। छोटे बच्चे थे जो जर्नल, जिनकी उम्र नहीं थी, और कुछ मेजर्स भी थे। जब डिटेन कर लिया तो उनका राइट है, लीगल राइट है कि वो एडवोकेट उनसे मिल सकता है डिटेंशन के दौरान। अब ये सरासर ज्यादती है, जो शांतिपूर्ण, जो बहुत ही आराम से पूरा दिन गुजर गया जुमे के बाद से लेकर के मगरिब तक 6 बजे तक, उसके बाद लाठी चार्ज की जाती है, प्रोवोक किया जाता है, लाठी चार्ज की जाती है, और उसके बाद उनको लीगल जो हेल्प है एडवोकेट से मिलने भी नहीं दिया जाता। अकेले छोटे से राज्य असम में एनआरसी कराने में 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर आप एस्टिमेट लगाएं पूरे कंट्री में एनआरसी लागू कराने में 60,000 करोड़ रुपए कम से कम खर्च आएंगे, और जो लाइनें लगेंगी वो अलग से। एक और छोटी सी बात, इससे नेक्स्ट गवर्नमेंट जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया जाएगा। CAA तो पहले ही करोड़ों लोगों को सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है। ये हमारा हक है और सभी हिंदू भाइयों का भी हक है, पूरे हिंदुस्तानी का हक है, तो ये हक हमारा वॉयलेट ना हो, इसी के लिए हम सड़क पे। कुलवीर सिंह जी, खालसा एड हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से आए हैं यहाँ पे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सेवा के लिए आए हैं, चाय का हम लंगर लेके आए हैं, पिछले 4-5 दिन से हम कंटिन्यूस लंगर लगा रहे हैं। हमारा मैसेज एक न्यूट्रल मैसेज है, कॉमन मैसेज है सबके लिए, इक्वालिटी का, ह्यूमन रेस को एक नज़रिए से देखने का। Thank you.